हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस दाल है, जिसे नान या चावल के साथ एंजॉय किया जाता है। ट्रेडिशनली दाल मखनी को एक बड़े से बर्तन में खुला पकाया जाता है और इस तरीके से बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। लेकिन आज हम सरल तरीके से और जल्दी से बनने वाली दाल मखनी की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। इस दाल को बनाने के लिए हमने ली है साबुत उड़द की दाल। यहाँ मैंने आधा कप साबुत उड़द की दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और मैं इसको अब बॉईल करने के लिए डालूंगी। इसके साथ में मैंने लिए हैं राजमा के कुछ दाने, लगभग 15 से 20 दाने इस दाल में अच्छे लगते हैं, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालिए। बॉईल करते समय हमें दाल में कुछ खड़े मसाले डालने हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक बड़ा सा तेज़पत्ता, उसके साथ में ली है बड़ी इलायची जो काली होती है, और साथ में हम लेंगे 2 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची जो हैं उसके दाने, और साथ में हम लेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये लगभग 1 से 1.5 इंच टुकड़ा है दालचीनी का। इन सब को डाल के दाल को हमें अच्छी तरह से पकने तक बॉईल कर लेना है। ये दाल यहाँ पर कुक हो गई है, इसे हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लिया है। जो इसमें खड़े मसाले हमने डाले थे उन्हें हमने पकने के बाद दाल से अलग कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। सिर्फ हरी इलायची को मैंने दाल में रहने दिया है। अगर आपको उसका भी टेस्ट पसंद नहीं आए दाल में तो आप उसे इसी समय पर बाहर निकाल लीजिए। अब हम करेंगे दाल को तड़का लगाने की तैयारी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप अभी फ्लेवर होम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी किसी भी रेसिपी वीडियो को मिस ना कर दें। तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रखा है। इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे लगभग 50 ग्राम बटर। दाल मखनी है, इसमें खूब सारा बटर होता है, तो इसे आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। बटर हमारा यहाँ पिघल गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। इसके तड़क जाने पर, अच्छी तरह से रोस्ट हो जाने पर, इसमें हम डालेंगे 1 साबुत लाल मिर्च, ये सूखी हुई लाल मिर्च है। आप चाहें तो 2 डाल लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 ही डाली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और डालेंगे हम साथ में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च जो मैंने ली है ये देगी मिर्च है, इसमें कलर बहुत अच्छा देती है ये, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसे हम बटर और तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पक जाए। इसके साथ में अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और हमने इसमें डालना है गरम मसाला, तो ये भी 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला मैंने लिया है यहाँ पर, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मसाले थोड़े से भून जाएंगे और हमने गैस को धीमे किया हुआ है। यहाँ पर अब मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच लहसुन कद्दूकस किया हुआ और 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस की हुई, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ और साथ में उसे भी हम मिक्स कर लेंगे बटर और तेल में और अच्छी तरह से हम उसे भूनेंगे। प्याज की अच्छी तरह भुन जाने के बाद लगभग 2-3 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी। यहाँ हमने 2 बड़े टमाटर को प्यूरी कर लिया है मिक्सी में, अब छोटे हों तो 3 छोटे टमाटर। अब इसको डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं और अब हमें इनको पकाना है। इसके लिए हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आपने दाल को बॉईल करते समय भी डालना है, इसलिए आप इधर पे ध्यान से डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं हो जाए दाल में। तो इस समय हमने नमक डाल करके मिक्स कर लिया है और हम टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि वो पैन की साइड्स छोड़ दें। तो ये टमाटर अच्छी तरह से बॉईल होने लग गए हैं प्यूरी में। अब हमें इसको ढक करके लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है।
लगभग 4 मिनट ढककर के पकाने के बाद टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। इन्होंने पैन में तेल छोड़ दिया है और इसके बीच में पकाते समय मैंने इसमें 1/4 कप पानी भी डाला था, क्योंकि ये मसाला बहुत मेरा ड्राई हो रहा था। आप भी उसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम टमाटर और प्याज, अदरक लहसुन के इस जो मसाले को हमने बनाया है, इसमें हम डालेंगे बॉईल की हुई दाल। यहाँ दाल को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कीजिए कि आपको ये कितनी पतली चाहिए। हमें इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है दोनों को मिक्स करके, इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी का और ऐड किया है। और अब मैं इसको उबलने तक के लिए इसको खुले रख करके फुल आंच पर मैं इसे पका रही हूँ। बीच बीच में हल्का सा हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे नहीं पैन के साथ। अब यहाँ दाल में हमारी अच्छी तरह से उबाल आ गया है, इसको मिक्स भी कर दिया है हमने, बीच बीच में चलाते रहे हैं, ये नीचे लगनी नहीं चाहिए। तो जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए उतनी देर तक, उतनी पतली होने तक मैं इसको पका लूँगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, वो है क्रीम। यहाँ मैंने घर की मलाई का यूज़ किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर समय हमारे पास क्रीम अवेलेबल हो बाज़ार वाली। तो घर की मलाई को आप अच्छी तरह से बस फेंट लीजिए ताकि उसके मोटे मोटे पीस उसमें ना रह जाएँ, और फिर आप इसे इस दाल में बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, लगभग 1 मिनट के लिए। और अब इसमें ऐड किया है मैंने कसूरी मेथी, यानी कि सूखी हुई मेथी की पत्तियाँ। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और दाल हमारी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इस तरह क्रीम और बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ गार्निश करके आप गरम गरम दाल मखनी को सर्व कीजिए बढ़िया सी नान के साथ। नान की रेसिपी भी इस समय आपके स्क्रीन पर आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किससे लगी ये नान और ये दाल मखनी की रेसिपी। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल फ्लेवर होम बाय सुतिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।